गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 जो कि नाम है डेटा हैंडलिंग, उसमें एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 हमें कुछ इंफॉर्मेशन है इस तरह, पेज नंबर 73 पे कि नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लास आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी है ये बार ग्राफ में हमें शो करनी है। तो इसके लिए हमें बार ग्राफ पे मतलब ग्राफ पेपर पे बार ग्राफ बनाना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, मैं यहाँ पे बोर्ड पे जैसे बनाता हूँ इस तरह से। ओके, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, क्लास दी है 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10। तो जो क्लास है वो हमें इस तरफ रखने रहेगी, नीचे 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10। और जो नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन हमें दिए हैं, देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन इस तरह से थी, 135, 120, 95, 100, 90 एंड 80। तो अगर नंबर इस तरह से बड़े हों तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि 10-10 का गैप लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ से 140 तक इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जो 135। अगर इस तरह से बड़े नंबर्स हो तो हम 10-10 का गैप लेकर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन हो कि 5, 6, 8, 10, 12, तो हम यहाँ पे 1-1 का गैप लेते हैं, तो उस तरह से अच्छा ग्राफ बने। ओके, सो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ 10-10 का गैप लिया है। ओके, अब हम बार ग्राफ बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने 5th क्लास में 135 चिल्ड्रन बताए हुए हैं, तो जो क्लास है वो हम इस तरफ रखेंगे यहाँ पे, और नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन ये हैं। 5th क्लास में कितने चिल्ड्रन ने बताया, 135, तो उसका बेस यहाँ है एंड वो 135 तक हमें ले जाए, तो 130 यहाँ है, 135 वो 140 एंड 130 के बीच में रहेगा, सो वो यहाँ पर, सो इसका ग्राफ हम इस तरह से बनाएंगे। सो 5th क्लास में 135 स्टूडेंट हैं। अब 6th क्लास में बताएं 120, तो उसका बेस ये है 120 स्टूडेंट, तो 120 कहाँ पे है, यहाँ पर, सो 120 तक हमें ले जाना है। सो 6 में 120 स्टूडेंट्स है, ये ग्राफ शो कर रहा है। इसके बाद 7th में 95 स्टूडेंट्स है ऐसा बताया, तो 7th का ग्राफ जो है वो 95 तक ले जाए, सो 90 यहाँ है, 100 यहाँ है, 90 एंड 100 के बीच में 95 रहेगा, सो वो यहाँ पर। तो इसका ग्राफ हम यहाँ पर बताएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे 95 बीच में, फिर 8th क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो 8th का ग्राफ हमें 100 तक ले जाना है, 100 क्योंकि यहाँ पे 8th में 100। आप लोग जब ग्राफ पेपर पे
ये ग्राफ बनाए तो यहाँ पे एक 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 बॉक्स छोड़ के बनाइएगा, और यहाँ पे एक एक बॉक्स छोड़ के हमें 10, 20, 30 दिखाना रहेगा। ये एट का हो गया, फिर नाइन्थ में 90 स्टूडेंट्स हैं, सो नाइन्थ क्लास में 90 तक ग्राफ ले जाना है, क्योंकि इस तरफ से 90 हमें बताना है, सो यहाँ तक ले जाएंगे ग्राफ 90 तक। एंड टेंथ में है 80, सो 80 नंबर तक ये ग्राफ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 80 तक इस ग्राफ को ले जा रहा हूँ। ये हो गया 135, ये 120, 95, 100, 90 एंड 80। अब हमें इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके हम आंसर करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था हाउ वुड यू चूज अ स्केल, अपने स्केल जो है वो किस तरह से चूज किया था। तो हमने क्या किया था कि मतलब एक बॉक्स जो है यानी कि एक यूनिट जो है वो 10 स्टूडेंट, ये क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, सो एक यूनिट जो है वन यूनिट वो 10 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है, फिर यहाँ 20 तो 10 का गैप है, सो यहाँ पे वन यूनिट जो है वो 10 स्टूडेंट शो कर रहा है, सो इस तरह से हमने स्केल लिया है। फिर बी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम हमें इस क्लास इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन जो है वो कौन सी क्लास में हो, एंड मिनिमम का मतलब है सबसे कम स्टूडेंट, कम चिल्ड्रन जो है वो कौन सी क्लास में। तो मैक्सिमम जो है वो हम लिखेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम, सो
यहाँ पे कौन सा ग्राफ आपको सबसे बड़ा दिख रहा है? यहाँ पे ये वाला ग्राफ, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चिल्ड्रन है वो ये वाले ग्राफ में शो कर रहा है, यानी कि फिफ्थ क्लास में सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन है जो है 135। सो 135 इसमें फिफ्थ क्लास में, तो यहाँ पे आएगा फिफ्थ क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। अब मिनिमम स्टूडेंट्स का भी पूछा था, तो मिनिमम चिल्ड्रन जो है वो कौन सी क्लास में होंगे, तो जिसका ग्राफ सबसे छोटा होगा, यानी कि इसमें सबसे छोटा ग्राफ जो है वो ये वाला है जिसमें 80 स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं, और ये है क्लास टेंथ का, यानी कि टेंथ क्लास में सबसे कम यानी कि मिनिमम स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आंसर आएगा टेंथ। सेकेंड क्वेश्चन था कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट, तो सिक्स एंड एट क्लास का हमें रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं। जब रेशियो फाइंड करने को बोले तो आप किस किस का बोला है, क्लास सिक्स एंड एट, तो जिसका रेशियो हमें फाइंड करने को बोला है सिक्स क्लास वो ऊपर रखेंगे और एट क्लास को यहाँ पे अपन रहेंगे, सिक्स अपन एट क्लास इसी पर जो सिक्स क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सिक्स में थे 120 एंड एट क्लास में है 100, तो रेशियो निकालने के लिए हम 120 अपन 100 करेंगे। इसके बाद हम यहाँ 00 जो है वो कट हो जाएगा, अब 12 अपॉन 10 हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको और छोटा बनाने के लिए ऐसा कौन सा टेबल है जो जिसमें 12 भी आता है 10 भी, तो 2 का टेबल जो कि 2 6 12 होता है एंड 2 5 10, सो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 अपॉन 5। अब 6 और 5 जो है वो किसी टेबल में नहीं आता, तो 6 अपॉन 5 ही रहेगा। अब इसका जो रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम देखें इस तरह से, रेशियो का साइन जो इस तरह से आएगा कि 6:5, तो इस ये इसका आंसर हुआ।